आज 30/6/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है, जो कि 30/3/30 मार्च 2000 को बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है, मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। जैसे तन को दुरुस्त रखने के लिए, तन को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे मन को भी हेल्दी रखने के लिए बाबा 5 सेकंड के लिए एक्सरसाइज आज बच्चों को बता रहे हैं। देखेंगे इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स। वो 5 एक्सरसाइज हमारे ही 5 स्वरूप हैं, हमारे ही, हम उन 5 स्वरूपों की जब एक्सरसाइज करेंगे तो मन स्वस्थ हो जाएगा। तो आज दूरदेशी बाबा शिव बाबा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। शिव बाबा अपने साकार दुनिया के, ये हमारी साकारी दुनिया है जिसमें हम साकार रूप से सभी रहते हैं, तो भिन्न भिन्न देशवासी जो बहुत अलग अलग देशों से आए बच्चे बाबा के सामने बैठे, तो बाबा उनसे मिलने आए हैं। बाबा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हों। अब कोई अमेरिका से आया, कोई चीन से आया, कोई भारत से आया, कोई कहीं से आया, तो बाबा कहते हैं कोई सब अलग अलग देश से आए, लेकिन बाबा सबको एक ही देश का देख रहे हैं। चाहे कहीं से भी हो, पहले सभी एक ही देश से आए हो ना, अब हम आत्माओं का घर वही एक देश है जहाँ से हम सब आत्माएं आई हैं, चाहे वो कहीं की भी हो। तो बाबा कहते हैं अपना एक देश है ना, उसको याद है तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना वो। बाबा के साथ साथ अपना अनादि देश भी प्यारा लगता है। हमारा अनादि स्वरूप मैं आत्मा हूँ, और हमारा अनादि देश परमधाम, जहाँ से हम विश्व की कहीं से भी, कहीं की भी आत्माएं हों, लेकिन हम उसी स्थान से आए हैं। तो बाबा के वो स्वरूप आपको प्यारा लगता है ना। बाबा आज सभी बच्चों के 5 रूप देख रहे थे। अब वो 5 स्वरूप कौन से हैं जानते हैं हम सब। बाबा के बच्चे उन 5 स्वरूप को जानते हैं, उन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज हमें करनी है, बाबा वो हमें सिखा रहे हैं। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है, तो बाबा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। अब बाबा उन 5 स्वरूपों में हमें ले जाते हैं, जैसे उन 5 स्वरूप का हमको ध्यान कराते हैं। आज बाबा के साथ उन 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। बाबा हमको उस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप का अभ्यास करा रहे हैं। भ्रकुटि के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, जहाँ हम तिलक लगाते हैं इस स्थान पर। बाबा कहते हैं याद है ना अपना ये स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा स्वरूप हमारा कौन सा है, आदि देवता स्वरूप। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा देवता स्वरूप। सतयुग में बाबा हमें ले जाते हैं, जहाँ पर सुखी सुख था, प्रकृति के 5 तत्व पावन थे, और देवताई स्वरूप में हम सभी वहाँ पर राज कर रहे हैं। पहुँच गए अपने देवता स्वरूप में। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। द्वापर से जैसे जैसे सतयुग त्रेता के बाद जैसे जैसे कलाएं कम होती गईं, द्वापर में हम आ गए अपने पूज्य स्वरूप में, मध्य में आ गए। आप सबकी पूजा होती है, बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सभी की पूजा होती है, भारतवासियों की होती है, कुमार सुनाओ कुमारियां सुनाओ आपकी पूजा होती है ना। तो तीसरा हम सबका है पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में स्थित होकर इस संसार को सुख शांति का सकाश देना है। देवता स्वरूप में स्थित होकर, देवी स्वरूप में स्थित होकर इस संसार को सुख शांति का सकाश देना है। चौथा हमारा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। जब हम बाबा से पहली बार मिले, बाबा के समक्ष में आत्मा, बाबा मेरे सामने बैठा है और मैं बाबा से मिली, और जब से इस ज्ञान को मैंने अपने जीवन में धारण किया, हमने अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण किया, वो हमारा ब्राह्मण स्वरूप। तो उस ब्राह्मण स्वरूप में पहुंचकर स्वयं को बाबा के समक्ष देखो। उसके बाद लास्ट में बाबा फरिश्ते का अभ्यास करा रहे हैं। लाइट के स्वरूप में मैं फरिश्ता इस संसार को सकाश दे रहा हूँ, पवित्रता का सकाश, सुख का सकाश, शांति का सकाश। संपूर्ण फरिश्ता
इस कलयुगी दुनिया से मोह टूट गया मेरा, इस कलयुगी दुनिया से जब कोई रिश्ता ना रहा, बस इसका कर्तव्य निभाने के लिए हम इस संसार में हैं, तो बन गया फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप। तो लास्ट में बाबा फरिश्तेपन का अभ्यास करा रहे हैं। फिर बाबा पूछते हैं बच्चों से, पांचों स्वरूप याद आ गए? पांचों ही स्वरूप याद आ गए? अच्छा, एक सेकंड में पांचों स्वरूप का अभ्यास करो। 1, 2, 3, 4, 5 अनादि स्वरूप, ज्योतिबिंदु स्वरूप, फिर हमारा देवता स्वरूप, फिर हमारा पूज्य स्वरूप। देवता स्वरूप में इस विश्व को शकाश दे रहे हैं, फिर ब्राह्मण स्वरूप में बाबा के समक्ष में फरिश्ता, उसके बाद लास्ट में फरिश्ता बनकर इस दुनिया को सुख शांति का सकाश दे रहे हैं। तो ये पांचों स्वरूप बाबा कहते हैं बहुत ही प्यारे हैं। जब चाहो किसी भी रूप में स्थित होना चाहो हो सकते हो, अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे आपकी दुनिया में चलते फिरते की एक्सरसाइज है, खड़े होकर भी 1, 2, 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में बाबा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन खुश रहता है, तन तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, ऐसे ही चलते फिरते जब हम इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड भी निकाल सकते हो। अब बाबा कहते हैं ऐसा भी कोई बिजी है जो 1 घंटे में 5 सेकंड नहीं निकाल सकता? तो हाथ उठाओ, फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें टाइम नहीं मिलता। तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करो, किसी भी कार्य को करते 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो मन दुरुस्त होगा, ठीक रहेगा। हर घंटे में 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो, तो मन की जो कंप्लेन है, जो मन की शिकायतें हैं, मन नहीं लगता, मन खराब होता है, मन टिकता नहीं, योग कैसे करें, तो ये सभी कंप्लेन दूर हो जाएंगी जब हर 1 घंटे में 5 सेकंड में हम इन पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में, मैं आत्मा देवता स्वरूप में, मैं आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में, मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में, और मैं फरिश्ता में। तो ये पांचों एक्सरसाइज जब हम करेंगे हर 1 घंटे में 5 सेकंड की, तो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन खत्म हो जाएंगी। ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, फरिश्ता शब्द आए तो फरिश्ता बन जाओ। कहाँ भी हो 5 सेकंड में मन को घुमाओ और चक्कर लगाओ, हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ। कोई भी काम करते हो, बाबा कहते हैं हर 1 घंटे में राउंड लगाओ पांचों स्वरूपों का और फिर काम में लग जाओ। काम को तो छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकंड, 5 मिनट नहीं कहते बाबा, 5 सेकंड तो सभी को मिल ही जाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता, अपने को कहते हो ना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकता। बाबा बच्चों की एक बात देखकर बहुत हंसते हैं। एक तरफ तो कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर सोचते हैं बाबा ये मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। तो बाबा ने मन नहीं मानता, मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके लिए इन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज आज हमको बताई। कई बार बच्चे अपने मन ही मन पत्थर की लकीर के मुताबिक पक्की लकीर लगा देते हैं, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते, अपने आगे ऐसा बैरियर लगा सकते हैं तो बाबा लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी लकीर बना देते हैं जो मिटाते नहीं मिटती, परवश हो जाते हैं, तो परवश पर बाबा को रहम आता है। अब बाबा अपने बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में देखते हैं, देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो मेरा बाबा ही संसार है, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई है क्या संसार, कि बाबा को ही कहते हो, बाबा कहते हैं तो कहते हो ना सब मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा संस्कार संसार है तो संसार के बाहर और क्या, सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। और संस्कारों को कैसे परिवर्तन करेंगे उसकी एक्सरसाइज बाबा ने आज हमको बता दी। ब्राह्मण जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे वो अपने संस्कार हो या दूसरों के संस्कार हो। अब कहते हैं मेरा क्रोध का संस्कार है, मेरा इसका संस्कार है, वो उसका संस्कार है, तो बाबा कहे वो आपका विघ्न रूप बनता है।
ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय हमको कार्य में लानी है वो शक्ति उस समय कार्य में नहीं लाते, और बाद में वो शक्ति हमारे दिमाग में आती है, बाद में वो शक्ति इमर्ज होती है। वैसे सभी अपनी शक्तियों को सोचते रहते हो, सहन शक्ति है, ये निर्णय शक्ति है, इसे यूज़ करना चाहिए, सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वो बात हम सोचते हैं कि हमें सहन कर लेनी चाहिए थी, उस समय हमें क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय उस सहन शक्ति को यूज़ नहीं करते, बाद में ये बात मन में आती है, तो बाबा का क्या होता है, माया फिर उसको, फिर बाबा कहते हैं अगर वो बाद में मन में आती है, उस समय उस शक्ति को महसूस नहीं किया, फिर बाद में समझ में आता है, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लो कि दोबारा ना हो। एक बार अगर आप उस सहन शक्ति को यूज़ नहीं कर पाए, अगर दोबारा फिर ऐसा होता है, तो बाबा कहे उसको ऐसा अपने मन में धारणा बना लो कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो, हम उस समय पर उस शक्ति का यूज़ करेंगे। लेकिन माया भी बड़ी चतुर है, बड़ी वही बात मानो आप में सहन शक्ति की कमी है, किसी में सहन शक्ति की कमी है, तो उसको रूप बदल के आती है। अब माया आपके सामने कभी क्रोध के स्वरूप में आएगी, कभी कोई आपको अहम दिखा सकता है, कभी ईर्ष्या के स्वरूप में आ जाएगी, तो बाबा कहे माया रूप बदल कर आती है। मानो आपके अंदर सहन शक्ति की कमी है, तो ऐसी जिसमें आपको सहन शक्ति यूज़ करना है, एक बार आपने रियलाइज़ कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बार थोड़ा बदली करके आ जाती है, चीज़ वही है, पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश करके ऐसा नहीं दिखा देते हैं। आज के ज़माने में क्या होता है, वही पुरानी चीज़ है लेकिन पॉलिश करके उसको नया करते हैं, ऐसे माया भी है सहन शक्ति की कमी, लेकिन उसको सामने में नए रूप में लेके आती है कि अब क्रोध में नहीं आएगी, इस बार क्रोध के स्वरूप में नहीं, इस बार ईर्ष्या के स्वरूप में आई, इस बार किसी ने आपकी निंदा कर दी तो आपकी सहन शक्ति भंग हो गई, तो बाबा का नए नए रूप में आपके सामने माया आती है। इसके लिए बाबा ने दो बातों का टेंशन रखो, बाबा ने कहा दो बातों का टेंशन रखो, एक है सच्ची दिल सच्चाई, अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से थोड़ा बाबा कहते हैं गैस का गुब्बारा भर जाता है। सच्ची दिल, कोई भी गलती हुई, कुछ भी हुई, बाबा को सुना दो। कभी क्या होता है, जैसे हमसे बड़ी दीदियां हैं, किसी को हम सुनाने में संकुचाते हैं, तो बाबा के अपने अंदर ना भरो, गैस का गुब्बारा भर जाता है, उसके लिए क्या करो, बाबा के सामने रखो और सच्चे दिल से रखो। एक सच्ची दिल सच्चाई, अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से भर जाता है। अब कहते हैं लेकिन सच्ची दिल से महसूसता से जब बाबा के आगे रखोगे, बाबा से कह दिया बाबा ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हो ना, हाँ मेरी गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से बाबा कहते हैं महसूस करो कि मुझसे गलती हुई और इस गलती को बाबा के सामने रख दो। दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं, लेकिन दिल से, सच्चे दिल से बाबा के आगे महसूस करो, तो दिल खाली हो जाएगा और कचरा ख़त्म, आपका वो संस्कार जो आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, क्रोध का संस्कार, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, या किसी का भी संस्कार ऐसा है जिसको आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो सच्चे दिल से जब बाबा को सुना देते हो तो वो संस्कार ख़त्म हो जाता है। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, बाबा के सामने क्या कहना है, बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे पीठे बाबा आपका बच्चा हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो हूँ, जैसी हूँ, मेरे मीठे बाबा मैं आपका बच्चा हूँ। बाबा तो जानते ही हैं बच्चे नंबर वार हैं। अब सबकी अपनी अपनी समर्थ शक्ति है, कोई इस ज्ञान मार्ग में बहुत आगे, क्लास में भी जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, सबको एक टीचर पढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत तेज़ी से ऑब्जर्व करके फर्स्ट आ जाते हैं, कुछ सेकेंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो टीचर भी जानते हैं मेरे सामने स्टूडेंट्स नंबर वार हैं। इसीलिए बाबा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल, दूसरा कहा था ना सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक तो सच्ची दिल, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि में कचरा नहीं हो तो बाबा की याद नहीं आएगी, बाबा जो डायरेक्शन देना चाहते हैं वो डायरेक्शन हमको फील नहीं होंगे, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाबा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी, लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती।
कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं हैं, सोचते हैं, कोई कोई को आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है। अब बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे सोचते हैं कि किसी किसी को बाबा का बहुत सहयोग मिल जाता है, ब्राह्मणों को भी मिलता है, बड़ों को मिलता है, तो हमको कम क्यों मिलता है। कोई कोई सोचते हैं बाबा किसी किसी को बहुत सहयोग देते हैं। अब बाबा कहते हैं उसका कि बाबा तो दाता है ना, शिव बाबा दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहें बाबा के भंडारे में कोई ताला चाबी नहीं है। बाबा उन्हीं बच्चों को देता है जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, जो सच्ची दिल से बाबा को हर बात सुनाते हैं। तो बाबा कहा और जी हाजिर, बाबा कहा और शक्तियाँ बाबा से लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। इन्हीं दो बातों की कमी है, एक सच्चे दिल साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। एक तो सच्चे दिल हो, साफ दिल हो, और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो बाबा से शक्तियाँ स्वतः मिलती रहेंगी। भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हो तो साफ दिल, सच्चे दिल और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। ये चेक करते चलो कि बुद्धि की लाइन सदा क्लियर है, क्लीन है। अच्छा, बाबा कहते हैं सभी को ड्रिल याद है या भूल गई, अभी अभी ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, बाबा कहते हैं अपना चक्कर लगाओ, फिर 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा लास्ट में करा रहे हैं। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने देवता स्वरूप में आ जाओ, अपने पूज्य स्वरूप में, मंदिरों में पूजा हो रही है और मैं सभी भक्त आत्माओं को सुख शांति का सकाश दे रहा हूँ। ब्राह्मण स्वरूप में बाबा के समक्ष बैठ जाओ और अंत में फरिश्ता बन के संसार को सकाश दो। तो बाबा लास्ट में भी ड्रिल करवा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद पाया, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और हालचाल लिखा, सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे बाबा को बच्चे समाचार लिख लिख के भेजते थे, तो बाबा को मिल गया। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, मैं हर एक अपने अपने नाम से बाबा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार कर लें। बच्चों को प्यार बाबा से और उससे पदम गुना बाबा का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे ना बाबा से अलग हो सकते हैं, ना शिव बाबा बच्चों से अलग हो सकता है, साथ हैं और अंत तक साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को शिव बाबा समान बनाने वाले, सदा बाबा के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक शिव बाबा के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे से प्यारे सर्व बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है हर सेकंड में हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ आत्मा भव, संगम योग पर अविनाशी बाबा द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियाँ हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यही एक समय है। कलयुगंत और सत्ययुग आदि का ये जो 100 साल का समय है, जो कि अब समाप्ति की ओर है, तो बाबा का यही एक समय है जिसमें आप सारे कल्प में अपना भाग्य बना सकते हो। इसीलिए आपका स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी संकल्प, समय व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन है हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। जो साधारण बोल बोलते हो, जो व्यर्थ बोल बोलते हो, उसको अलौकिक शब्दों में परिवर्तन कर दो, बाबा की याद से भरपूर कर दो। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 5 स्वरूपों का अभ्यास हर एक घंटे में 5 सेकंड निकालकर बाबा के श्रीमत अनुसार हम बाबा के सभी बच्चे जरूर करेंगे। अच्छा, ओम।